नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम पिंटो ब्रांड की जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ पिंटो ब्रांड के बारे में। दोस्तों, इस ब्रांड की कहानी शुरू होती है करीबन 30 साल पहले से, और लगभग 2000 साल के बाद ये इस ब्रांड ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से में अच्छा खासा नाम कमा लिया था, और वहाँ पर उनके प्रोडक्ट और सर्विस की अच्छी खासी डिलीवरी होती है। लेकिन लगभग पिछले 10 सालों से पिंटो ने अपना ध्यान नेशनल मार्केट पर यानी पूरे देश के प्रोवाइडियो मार्केट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, और इसी हिसाब से वो ढेर सारे एक्सपोज अटेंड करते हैं। करीबन हर एक्सपोज में वो उनका स्टॉल रखने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखेंगे तो पिछले साल का जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में पाल्म एक्सपो हुआ था, उसमें पिंटो का स्टॉल था और उस पर काफ़ी भीड़ थी। यानी देखने वाली बात थी कि उनके प्रोडक्ट में लोग रुचि दिखा रहे थे, और ये काफ़ी एक इंडियन ब्रांड के लिए काफ़ी मायने रखती है ये बातें। दोस्तों, ये ब्रांड शुरू से हाईफाई स्टेरियो जो सिस्टम्स होते हैं उनमें काम करता है, और वो जो गाड़ियों में सिस्टम्स लगा कर देते थे फोर व्हीलर में, वो काफ़ी पॉपुलर है। यानी दूर दूर से गाड़ियाँ उनका जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर आती है, और वो लोग उसमें जो सिस्टम है ऑडियो सिस्टम वो लगा देते हैं, और लोग उससे काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। और इसी तरह से प्रोग्रेस करके बाद में ये ब्रांड बना है, और पूरे अनुभव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। और जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल साउंड या प्रो ऑडियो के बारे में, तो इसमें आने वाले करीबन सारे प्रोडक्ट पिंटो डिलीवर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और उनके नाम से वो चीज़ें मार्केट में बिकती है। यहाँ तक कि उनके डिज़ाइंड कैबिनेट भी मार्केट में है, और जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। कोई भी चीज़ें आप प्रो ऑडियो में मान लीजिए, क्रॉसओवर हो, मिक्सर हो, प्लेयर हो, एम्पलीफायर सभी तरह के, साथ ही स्पीकर और कैबिनेट तो मैंने बता दिया। यानी प्रो ऑडियो सिस्टम में लगने वाले सारे मटेरियल पिंटो देता है। और एक ख़ास बात है कि अगर आपके पास कोई आपका डिज़ाइन है कैबिनेट का जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, ऐसे डिज़ाइंस पर आपको आपके कस्टमाइज कैबिनेट भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो पिंटो बना कर देते हैं। उनका कैबिनेट के लिए उनके प्लांट के पीछे की तरफ सेपरेट एक एरिया है, एक प्लांट है, उसमें सिर्फ कैबिनेट बनते हैं। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है, और कैबिनेट की क्वालिटी, प्लाई की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जिस तरह के आहूजा के एम्पलीफायर है, बिल्कुल उसी तरह के एम्पलीफायर पिंटो भी बनाता है। और पिंटो के ये जो एम्पलीफायर है वो यूज़ करने वाले उनके जो लॉयल कस्टमर है वो काफ़ी खुश है, और बोलते हैं कि सब भी बाकी एम्पलीफायर से ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे हैं। पिंटो का एम्पलीफायर BA-1200 ये जो एम्पलीफायर था वो काफ़ी पॉपुलर रहा है पिछले 15 साल से करीबन, और इसकी जो रिज़ल्ट है यानी 15 साल पुराना एम्पलीफायर भी किसी के पास हो तो आज भी उसका रिज़ल्ट करीबन वैसा ही है। यानी इस एम्पलीफायर से ब्रांड को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस एम्पलीफायर की पहुंच काफ़ी ज़्यादा थी। जब कैबिनेट की बात हो तो ऐसा है कि बेस के जो सभी तरह के कैबिनेट तो पिंटो बनाता ही है, लेकिन उनके जो टॉप है उनके भी उनके खुद के अपने डिज़ाइंस है, और उनमें जो थ्री वे टॉप है वो खास करके काफ़ी पॉपुलर है DJ साउंड में। कंपटीशन के दौरान उनका काफ़ी फ़ायदा सेटअप वालों को मिलता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा 21 इंच और 18 इंच में आने वाला नियोडियम स्पीकर उनका, जिसका वॉइस कॉइल 6 इंच है और 2000 वैट का स्पीकर है, वो दो स्पीकर भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, और उनका भी रिज़ल्ट DJ साउंड में काफ़ी बेहतरीन है। अपने पूरे प्रोडक्ट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से या वहाँ पर जाने पर खुद कंपनी बेचती है, लेकिन कंपनी पूरा सेट एक साथ भी देती है वैसे भी उनके ऑफर्स चालू रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में नारायण गांव के नज़दीक उनका प्लांट है, और वहाँ पर आप जा सकते हो। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब आप वहाँ पर जाए तो आप ट्रायल सुन सकते हो। आपको 2000 वैट के बेस और 3 वे टॉप का ट्रायल ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, पिंटो के बारे में ये जो वीडियो था ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही बताइए कि किस ब्रांड के बारे में मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं जिसमें उस ब्रांड के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।